डीएचएफएल पीएफ घोटाला मामले में राजनीति अब गर्म होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से भी बातचीत की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डीएचएफएल का मुद्दा आपने उठाया, मुद्दा बेहद ज्यादा ज्वलंत हो चुका है। प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, तमाम विपक्षी पार्टियां साथ में जो है नजर आ रही है। अब इस्तीफे की पेशकश मुख्यमंत्री के लिए की जा रही है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूरी सरकार लिप्त है और यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के लोग लिप्त है। व्यवधान ने चंदा दिया है, 20 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया है और वो चंदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। 24 मार्च को ये पूरा समझौता हुआ है, उस समय सरकार किसकी थी। 10 दिनों के यात्रा पर श्रीकांत शर्मा दुबई गए थे, किस लिए गए थे, उसी दौरान ये सारी डीलिंग हुई है। ये जवाब देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता को। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था, किस लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया था और ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये पूरा उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा जान चुका है। अब थोड़ी भी नैतिकता बची हो मुख्यमंत्री के अंदर तो ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, उनको बर्खास्त करें। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उन बिजली कर्मचारियों के भविष्य निधि के सवाल को लेकर सड़क पर भी है और सदन में भी मजबूत। लेकिन दोषी बख्शा नहीं जाएगा, खुद ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और सीबीआई की जो है जांच भी शुरू कर दी है। कौन दोषी है, किसकी सरकार है, कौन मंत्री है, किसके सरकार में अनुबंध हुआ है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये केवल कह देना कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा, आप छोटे कर्मचारी की इतनी हिम्मत है चीफ इंजीनियर का कि अनुबंध कर लेगा, वो 2600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा देगा मुख्यमंत्री के बिना जानकारी के, बिना ऊर्जा मंत्री के जानकारी के। ये तो केवल ट्वीट करके लोगों को ध्यान भटकाने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी ने किस रूप में उससे चंदा लिया, क्या करने 10 दिन के लिए दुबई गए थे मंत्री जी, क्या करने के लिए दुबई गए थे, उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे। पूरी तरह ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ ऊर्जा मंत्री के खिलाफ बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर9 टीवी से खास बात करने के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं भावना, आर9 टीवी दिल्ली।